अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। आज बतारीख 10 जुलाई 2022 बरोज इतवार। सबसे पहले ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन इकराम, आरएसएस की बड़ी बकवास यही है कि आरएसएस के प्रमुख ने यह बयान दिया है कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल के साथ मामला पेश आया है, यानी कन्हैया लाल का कत्ल किया गया है, तो मुसलमानों को चाहिए कि खुल के सामने आए। तो भाई, मुसलमान तो खुल के सामने आए भी हैं, अब इससे बढ़कर और कैसे खुल के आए। जैसे कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, दारुल उलूम देवबंद हो, दीनी मदरसे हों, उलमा इकराम हैं, अफाज इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, इन्होंने खुलकर इसकी मुखालिफत की है। जो कन्हैया लाल का कत्ल हुआ है बहुत गलत हुआ है, अब इससे बढ़कर खुल के कैसे आया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि नूपुर शर्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पता है आरएसएस वाले बताएं कितना खुल के सामने आए? वो तो अपनी जबान से एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं, वो तो खुल के सामने आने वाले नहीं है, लेकिन वो कन्हैया लाल के बारे में बता रहे हैं कि खुल के सामने आओ। तो हम तो खुल के सामने आ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि कन्हैया लाल का जो कत्ल हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये हमारे उलमा इकराम ने बयान दिया है, तमाम लेटर पैड मदरसों से भी शाये हुए हैं, अब इससे बढ़कर खुल के और कैसे सामने आया जाए। नाज़रीन कराम, इस खबर से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए, कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।